हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2024 लेटेस्ट मॉडल यामा R15 वर्जन 4.0 मेटेलिक रेड कलर, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स मिल जाता है। अभी के टाइम पे अपडेट की बात करूँ तो E20 का अपडेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला यामा R15 मेटेलिक रेड कलर की 2024 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है, बाइक आपको कितने का माइलेज निकाल कर देती है, क्या कुछ फीचर्स आपको यामा R15 वर्जन 4.0 के अंदर देखने को मिल जाते हैं, उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो ऊपर वॉच करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की। तो 2,22,000 रुपये की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। फुली फेयरिंग लोडेड आपको ये बाइक देखने को मिलती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस बाइक की से। तो इस बाइक के अंदर आपको कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है। की के ऊपर आपको यामा का लोगो मिल जाता है। चलिए करते हैं इस बाइक के इग्निशन को ऑन। जैसे ही आप इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हो तो इसके फ्रंट में आपको जो LED DRL लाइट देखने को मिलती है, लाइट ये ऑन हो जाती है। इंजन स्टार्ट होते इस बाइक की LED प्रोजेक्टर हेडलाइट ये ऑन हो जाती है। साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर इस बाइक के अंदर मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको LED इंडिकेटर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट वाइजर मिल जाता है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट माउंटर मिल जाता है। एडजस्टेबल मिरर आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। अपसाइड डाउन एंड ग्लॉसी कलर के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आपको 282 mm की डिस्क मिल जाती है। वाइब्री कंपनी के कैलिबर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। इसके फ्रंट में टायर सेक्शन की बात करूं तो 118-17 inch के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल की। तो इसके फेयरिंग के ऊपर आपको R15 वर्जन 4.0 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो की आपको ड्यूअल टोन कलर स्टिकर के साथ में मिल जाती है। इसके टैंक के ऊपर आपको यामा का लोगो मिल जाता है, जो आपको 3D क्रोम फिनिशिंग के साथ में मिलने वाला है कुछ इस तरीके का। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिल जाती है। ऊपर तरफ आपको यामा कनेक्ट का फीचर्स मिल जाता है। तो इस बाइक के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर्स मिल जाता है। E20 का अपडेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। आने वाले टाइम में आप इस बाइक को इथेनॉल पेट्रोल से भी चला सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इसके अंदर आपको 155 cc का लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है। 18.4 bhp की पावर जनरेट करता है। 14.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टोटल 6 speed गेयरबॉक्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको किक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इस बाइक के माइलेज की बात करते बाइक आपको 45 से 50 का माइलेज इजिली निकाल कर दे देती है, अगर आप इस बाइक को आराम से राइड करते हो तो। इस बाइक की कर्वेट की बात करते हैं, 142 kg का कर्वेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। इस बाइक के अंदर आपको 170 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलने वाला है। इस बाइक के अंदर आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है। तो बेसिकली फुली लोडेड आपको ये बाइक देखने को मिल जाती है। इस बाइक की सीट हाइट की बात करूँ तो 815 mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाती है। यहाँ से आप सीट वगैरह भी ओपन कर सकते हो। तो काफी अच्छे फीचर के साथ में आपको बाइक देखने को मिलने वाली है। इसकी रियर प्रोफाइल के अंदर आपको पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, जो की आपको एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ में मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके के। रियर प्रोफाइल के अंदर आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसके रियर में आपको 220 mm की डिस्क मिल जाती है। वाइब्री कंपनी के कैलिबर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। इसके रियर में टायर सेक्शन की बात करूं तो 140-70-17 inch के वाइड टायर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। रियर में भी आपको इस बाइक के अंदर टायर अगर देखने को मिल जाता है। इसकी बैक प्रोफाइल के अंदर आपको 2-piece ग्रेवल देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके के। नीचे की तरफ आपको LED टेल लाइट मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। तो काफी अच्छे फीचर के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको RPM ग्राफ, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्ट्रीट मोड, पावर मोड, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिपन, ट्रिप टू, रियल टाइम माइलेज, जस्ट एंड टू MPD, साइड इंजन कट ऑफ, ABS लाइट, चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल लाइट एंड इस बाइक के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। आप अपने मोबाइल को इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कनेक्ट करके अपने मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन वगैरह इस बाइक के अंदर सीन कर सकते हैं। 130 km/h की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। यहाँ पे आपको इंजन क्लिक स्विच मिल जाता है। चलिए करते बाइक के इंजन को स्टार्ट। तो कुछ इस तरीके का स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट आपको इस बाइक का सुनने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था 2024 लेटेस्ट मॉडल यामा R15 वर्जन 4.0 मेटेलिक रेड कलर का एक स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते रहे।